बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अंस कहते हैं कि सलमान फारसी बीमार हुए तो साद बिन अबी वकास उनकी इयादत के लिए आए और उनको रोता हुआ पाया। साद ने उनसे कहा, मेरे भाई आप किस लिए रो रहे हैं? क्या आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैद नहीं उठाया? क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? सुलेमान ने कहा, मैं इन दोनों में से किसी भी वजह से रो नहीं रहा, ना तो दुनिया की हर्स की वजह से, ना इस वजह से कि आहरत को ना पसंद करता हूँ, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक नसीहत की थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने इस सिलसिले में ज्यादती की है। साद ने पूछा, वो क्या नसीहत थी? सुलेमान ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से किसी के लिए भी ये दुनिया इतना ही काफी है जितना की मुसाफर का तोशा, लेकिन मैंने इस सिलसिले में ज्यादती की है। एहसास, जब आप फैसला करना तो अल्लाह ताला से डरना, जब कुछ तकसीम करना तो अल्लाह ताला से डरना, और जब किसी काम का कसद करना तो अल्लाह ताला से डर कर करना। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम तो मेरी इबादत के लिए 100 हो जा तो मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मुहताजी दूर कर दूंगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरा दिल मुश्किली तू से भर दूंगा और तेरी मुहताजी दूर ना करूंगा। सहल बिन साद सादी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे मैं करूं तो अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करें और लोग भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरगबती रखो, अल्लाह तुमको महबूब रखेगा और जो कुछ लोगों के पास है उससे बेनियाज हो जाओ तो लोग तुमसे मोहब्बत करें।